नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट कमर शिराज और आप देख रहे हैं बाखबर दुनिया न्यूज। नाजरीन, जैसे कि हमने आपको पहले एपिसोड में बताया था कि कौन कौन से हम सियासी मकामात घूमेंगे और किस किस मकामात पर जाएंगे, इस वाले से आपको लम्बा लम्बा बताते रहे शहबाज सरवर भट्ट। अभी भी शहबाज सरवर भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद है, वो आपको बताएंगे कि शहबाज सरवर भट्ट साहब आप अपने देखने वालों को ये बताएं कि हमने कौन से मकामात जो है ना वो घूमे हैं और आगे किस जगह तक हमने जाना है। जी बिल्कुल, हम इस वक्त बाबर दुनिया न्यूज की टीम के साथ तऊ भट्ट के बिल्कुल नजदीक ही मौजूद है और यहाँ पे पिकनिक पॉइंट है, यहाँ पे हम चाय पियेंगे और साथ में कुछ पकौड़े वगैरह खाएंगे। ये बड़ा अच्छा मकाम है, आप खुद देख रहे हैं। इससे पहले हमने अपना सफर दोबारा मुजफ्फरपुर पर शुरू किया था और रास्ते में हमने जो कैरन सेक्टर था, जो शारजा था और जो केल है उसका हमने विजिट किया था और वहाँ पे हमने ये एक रात गुजारी है। उसके बाद हम ये जो तऊ भट्ट है यहाँ पे आज जाने के यहाँ पे आए। अच्छा भट्ट साहब, आपने देखने वालों को ये भी बताया हमने जितने मकामात घूमे हैं सबसे ज्यादा खूबसूरत विजिट करने वाला कौन सा है? सबसे ज्यादा जो खूबसूरत मुकाम है उसे की जन्म हम मुकाम चल रहे, और ये बहुत मुश्किल सफर है और मैं तो कहता हूँ ये फैमिली वाले हजरात बिल्कुल ना इधर आए। ये जो हमारे यूट्यूब हजरात हैं ये बिल्कुल गलत, इसके अपोजिट कहते हैं, बहुत ही खतरनाक सफर है। लेकिन जो दिल खुलते हुए लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं, लेकिन इसको वाकई जन्नत नजीरवादी ना कहें तो ये इसके साथ ज्यादती होगी। अच्छा भट्ट साहब, आपने देखने वालों को ये भी बताएं कि ये सफर तो बड़ा मुश्किल रहा, बाइक पे हम लोग जैसे आए हैं बड़ा डेंजरस सफर था। मैंने काफी दफा देखा है यूट्यूबर जो है ना भाइयों को बताते हैं यार ये रास्ता बड़ा साफ है, बड़ा रास्ता क्लियर है, आप लोग अपनी फैमिली के साथ आए, आप खुद आए, घूमने वाली जगह है तो इसमें परेशानी कोई भी नहीं है। अपने देखने वालों को ये बताएं कि कितना सख्त सफर था हमारे लिए। देखे जी, अभी हम जो यहाँ जो हम उतराइयां उतर के जो आए हैं, अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वापस ये चढ़ाई कैसे करेंगे, इतना खतरनाक सफर है ये। और अगर बारिश होगी तो फिर हम यकीनन यहाँ पे फंस जाएंगे, फिर कोई और सूरत होगी कि बाइक और हम जो वापस कैसे खेल जाएं। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप यहाँ पे सेफ्टी मेजर के बगैर आए। हाँ, यहाँ पे जो जीपें चलती हैं वो ड्राइवर का वो ट्रेंड है, तो मैं तो ये कहूँगा कि ड्राइवर हजरात साहब यहाँ पे है। अच्छा भट्ट साहब, आपने देखने वालों को ये भी बताएं, बड़ा दिलचस्प सवाल है कि हम तऊ भट्ट की तरफ गामजन है, आप हमें तऊ भट्ट की तरफ क्यों लेकर जा रहे हैं? क्या आप शहबाज सरवर भट्ट है इसलिए आप हमें तऊ भट्ट तरफ लेकर जा रहे हैं? ये बिल्कुल जी, ये मेरा जो अबाव अजदाद है ये उनकी सरजमीन है ये, क्योंकि मैं भी कश्मीरी भट्ट हूँ। लेकिन ये बात नहीं कि मैं आपको तऊ भट्ट की वजह से लेके जा रहा हूँ। तऊ भट्ट एक बड़ा खूबसूरत गाँव है और इसके साथ उसका दूसरा गाँव तऊ भट्ट भाला जो है वो इससे ज्यादा खूबसूरत है और हम इंशाल्लाह आज तो तऊ भट्ट में रहेंगे लेकिन कल सुबह हम तऊ भट्ट भाला जाएंगे और वहाँ पे हम जो है ना उसका विजिट करेंगे और आपको बड़े बड़े खूबसूरत जो मकामात हैं तऊ भट्ट भाला की वो भी दिखाएंगे। अच्छा भट्ट साहब, अब ये बताएं कि तऊ भट्ट में हम कितने दिन स्टे करेंगे? तऊ भट्ट हम आज रात को स्टे करेंगे तऊ भट्ट में, अभी तकरीबन 5 बजने वाले हैं। कितनी देर तक हम तऊ भट्ट पहुंचेंगे? एक घंटे में तकरीबन हम तऊ भट्ट पहुंच जाएंगे, वहां पे जाके होटल वगैरह का अरेंज करेंगे और आज शाम को हम जो रेस्ट करेंगे, सुबह इंशाल्लाह तऊ भट्ट भाला की तरफ जाएंगे और अपने नाजरीन को तऊ भट्ट भाला की खूबसूरती दिखाएंगे। जैसा कि आप नाजरीन देख रहे हैं हमारे पीछे दरिया की लहरें जो आवाजें दे रही हैं, शोर मचा रही हैं। शहबाज सरवर भट्ट साहब, हमें अपने देखने वालों को ये बताएं ये जो लहरें हैं, जो बंदा आम पंजाब से आकर पाकिस्तान से आकर सुनता है तो वो क्या फील करता है? यकीन करें कि हम प्रोग्राम करने के लिए इस बर्फ जैसे पानी में बैठे हैं, हिम्मत जवाब दे गई है। अभी कमर साहब चीखे मारे थे कितना ठंडा पानी, ये देख रहे पत्थर के ऊपर पाँव रखे हुए इन्होंने, ये इतना बर्फ वाला ठंडा पानी है कि एंजॉय करना दूर की बात, हम तो यहाँ पे ठंडे बैठे हैं और देखिए अब आगे क्या होता है। अच्छा भट्ट साहब, आपने देखने वालों को ये बताएं जो हमारे साथ हमारी टीम आई है उनका आज तक अभी तक हमने तारफ नहीं कराया, उनको क्यों पीछे छुपा कर आपने रखा हुआ है? नहीं जी, छुपाने वाली कोई बात नहीं है, हमारे साथ जो हमारे कुनिया प्रेस क्लब के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है जनाब सलीम फारूकी साहब वो तशरीफ लाए हैं, उसके साथ जो जनरल सेक्रेटरी है हालत महमूद साहब वो तशरीफ लाए हैं और हमारे प्रेस क्लब कुनिया के चेयरमैन जनाब शफरान साहब जो है वो तशरीफ लाए हैं और बाकी तो आपको पता है हमारे होस्ट कमर साहब और कैमरामैन काशी साहब जो है और मैं आपका जो नसीब बंदा हूँ। नाज़रीन, जैसा कि शहबाज सरवर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो आपको लम्हा पा लम्हा
वो डिटेल से आपको प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है उसकी तफसील बता रहे थे कि कौन कौन से हमने मकामात विजिट कर लिए और कौन कौन से हमारे बाकी हैं। तौबा की तरफ हम गामजान है। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज़।